कर्नाटक के गृह मंत्री श्री अर्घा जानेन्द्र जी, श्री वीसी पाटिल जी, आज जिनके मत क्षेत्र में कार्यक्रम है, ऐसे हमारे सांसद और कर्नाटक के नेता श्री जीएम सिद्धेश्वर जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री भाई मृगेश निरानी जी, श्री बरवेती बसवराज जी, श्री आनंद सिंह जी, दावणगिरी के विधायक श्री रविन्द्रनाथ जी, मंच पर उपस्थित सारे विधायक और विधान परिषद के सदस्यगण, और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाई और बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं यहां पर तीन कार्यक्रमों के उद्घाटन के लिए आया हूं। जीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इस संकुल में तीन योजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। जीएम सेंट्रल लाइब्रेरी, गांधी भवन दावणगिरी और दावणगिरी जिला पुलिस की दो परियोजनाएं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, कर्नाटक राज्य पुलिस पब्लिक स्कूल और छात्रालय भवन। मित्रों, अलग अलग ये तीनों योजनाओं में 50 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है और मुझे आनंद है कि आज ये तीनों योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला है। आज जब मैं कर्नाटक में आया हूं तब हम सबको मालूम है कि देश और दुनिया में कई सालों से, कई सदियों से जैसी महामारी का हमने सामना नहीं किया है, ऐसी महामारी का सामना विगत 1.5-2 साल से पूरी दुनिया, भारत और कर्नाटक भी कर रहा है। ये कोरोना का महामारी ये समग्र मानव जात के लिए एक चैलेंज बनकर खड़ा है, और जहां तक भारत का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा है और मैं कह सकता हूं दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से लड़ने का काम ये भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, और इसी के कारण आज हम काफी हद तक इससे बाहर निकल चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जब से भी ये कोरोना महामारी शुरू हुई तब से दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ ठीक सरकारें लड़ रही हैं, जब भारत में सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके साथ साथ 130 करोड़ की जनता भी प्रधानमंत्री से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी, इसका ही परिणाम है कि आज हम यहां पर ढेर सारे कोरोना वॉरियर्स, ढेर सारे सुरक्षा कर्मी, ढेर सारे सफाई कर्मचारी, ये सब ने लड़ाई के अंदर अपनी जान की बाजी लगाकर समाज को इस कोरोना के सामने लड़ने की ताकत दी। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, कई लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस महामारी के सामने लड़ते लड़ते देश भर के कई लोग ऐसे हैं जिनकी जान हम नहीं बचा पाए, मगर एक तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको हम बचाने का गौरव भी कर सकते हैं, संतोष भी कर सकते हैं। मित्र, 130 करोड़ के देश के अंदर इस महामारी के खिलाफ लड़ना न केवल भारत, दुनिया भर के इस क्षेत्र के विशेषज्ञ देखते थे कि कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, परंतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जब तक बंद रहा, बंद का पालन किया, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव अगर दुनिया में कहीं चला तो हमारे भारत के अंदर चला, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाला देश अगर कोई है तो हमारा भारत है। और वैक्सीनेशन ड्राइव को इस सुचारू रूप से चलाया गया,
अभी दो दिन पहले 1,36,00,000 से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में देने का रिकॉर्ड, भारत का ही रिकॉर्ड हमने तोड़ा। कर्नाटक की जहां तक बात करें तो पहले येदुरप्पा जी के नेतृत्व में और अब बसवराज जी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी। लगभग 5,20,00,000 लोगों को डोज लगाने का काम समाप्त हो गया। 4 करोड़ लोगों को पहला डोज लगा है और 1,16,00,000 लोगों को दूसरा डोज भी लगा है और मुझे विश्वास है सितंबर एंड तक लगभग 90% से ज्यादा लोगों को डोज लगाने का काम बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सरकार लोगों को साथ में रखकर चले, लोगों को साथ में रखकर काम करे तो क्या कर सकती है, इसका एक उदाहरण है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो हमेशा गरीबों की चिंता करते हैं, पिछड़ों की चिंता करते हैं, दलितों की और आदिवासियों की चिंता करते हैं, कोरोना महामारी का सबसे बड़ा अगर किसी पर बोझ पड़ा है तो गरीब पर पड़ा है। रोज का रोज कमाकर खाने वाले लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई। पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी मई से लेकर नवंबर तक, दीपावली तक, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आप कल्पना कर सकते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 महीना और पहले 5 महीना 10 महीने तक 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही बताता है कि आप महामारी को रोकने के लिए जितना मानव से हो पड़ता है, जितना सरकारों से हो पड़ता है वो किया, मगर महामारी की असर को रोकने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके घर में कोई भूखा न सो जाए, कोई बहन कोई माँ भूखी न सो जाए, कोई बच्चा भूखा न सो जाए, इसकी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और अगर कोरोना आगे भी आता है तो इसकी तैयारी के रूप में हजारों करोड़ के पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर हर राज्य, हर शहर, हर जिला, हर तहसील कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो, इस प्रकार की व्यवस्था की शुरुआत करी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन के संकट का सामना करना पड़ा, देश भर में हजारों ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी हो गई, लगना शुरू हो गए, काम करना भी शुरू। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि आगे पर कोई भी महामारी आती है तो ऑक्सीजन के क्षेत्र में भारत बहुत कम समय में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत को ऑक्सीजन के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।